हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ लेट और लेट का हिंदी में अर्थ होता है करने दो, करे या करेंगे। लेट का हिंदी में अर्थ होता है करने दो, करे और करेंगे। देखिए, लेट का प्रयोग हम आज्ञा देने के लिए करते हैं, लेट का प्रयोग हम आज्ञा देने के लिए करते हैं। अब देखिए, लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लेट्स। क्या लिख सकते हैं? लेट अस को लेट्स। अब देखिए, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेट का बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस का। अब देखिए, केस तीन प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो हम यहाँ पर दो की चर्चा करेंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देख लीजिए, यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, यू का यू और दे का देम और इट का इट। यही होगा ऑब्जेक्टिव केस। और लेट के बाद हम इसी को प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा हीम, हर, यू, इट, देम, जो भी रहेगा, प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर लिख देते हैं अस भी। अस हीम, जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड्स। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे इस्तेमाल, और तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल दोस्तों। तो देखते हैं पहला एग्जांपल, उसे किताब पढ़ने दो, उसे किताब पढ़ने दो। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लेट हिम। क्या लिखेंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट हिम रीड ए बुक, लेट हिम रीड ए बुक, उसे किताब पढ़ने दो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स हेल्प द पुअर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम पटना के लिए निकलेंगे, अब हम पटना के लिए निकलेंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लेट्स लीव फॉर पटना, लेट्स लीव फॉर पटना नाउ, लेट्स लीव फॉर पटना नाउ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, शर्ट को ठीक से सूखने दो, शर्ट को ठीक से सूखने दो। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लेट द शर्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, लेट द शर्ट ड्राई प्रॉपरली, लेट द शर्ट ड्राई प्रॉपरली। तो आप इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।